डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन. डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1st इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1C के आगे के क्वेश्चंस. सो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 1C. इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 1st. ओके, मैंने 1st नंबर क्वेश्चन का आपको क्या दिखाया था, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था. आपको आगे के क्वेश्चंस भी वैसे डिवाइड के फॉर्म पे करने हैं. ओके, देन सेकंड नंबर क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, मतलब मैथमेटिकल सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, हमें उसे बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ओके, सो सी हियर, 0 / -8. 0 को अगर हम 0 / ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको डिवाइड का साइन ये भी होता है. सो 0 / -8, अगर हम 0 से किसी पे, मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर क्या होता है, 0. ये आप याद रखेंगे. ओके, 0 न्यूमरेटर पे है और डिनोमिनेटर पे कोई सा भी नंबर है तो उसका आंसर 0 होगा. अगर 0/2 है तो उसका आंसर 0 होगा. अंडरस्टैंड? पर अगर यही पर फ्लिप हो गया, 0 जो है डिनोमिनेटर में आ गया और ऊपर कोई भी नंबर होगा तो इसका आंसर इन्फिनिटी होगा. हम इसका आंसर समझा नहीं सकते, नॉट डिफाइंड, ये बताया नहीं गया है. क्या है इसका आंसर? नॉट डिफाइंड. ओके, इन्फिनाइट, क्या बोलते हैं इसे, इन्फिनाइट. सी हियर, 0 / -8 = 0. 0 / -8 का आंसर 0 आता है. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? सो यस, इट इज ट्रू. देन सेकेंड नंबर, -25 / 0. अगर हम -25 / 0, मतलब 0 नीचे है, तो क्या आएगा? देखिए, मैंने बोला था जब 0 डिनोमिनेटर पे हो तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड. ओके, सो ये आंसर क्या है, यहां पर 0 दिया गया है आंसर इसका. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन थर्ड नंबर क्वेश्चन, -54 + -9 = -6. ओके, अगर हम -54 को डिवाइड करें -9 से तो क्या हमारा आंसर -6 होगा? तो डिवाइड कीजिए, -54 / -9, ऐसे हम लिख सकते हैं. सो -- गेट कैंसल, 9 = 54. सो आंसर विल बी 6, बट यहां क्या लिखा हुआ है, -6. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4th, 19 / -1. 19 को अगर हम -1 से डिवाइड करें तो -19 होगा. सो डिवाइड इट, 19 / -1, तो क्या आएगा? देखिए, डिनोमिनेटर पे जब 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना, तो हम इसे -19 लिख सकते हैं. सो आंसर इज -19. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, 5th नंबर, -59 / -1 = -59. अगर हम -59 को -1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर -59 आएगा. सो नो, हमारा देखिए आंसर क्या आएगा, -- गेट कैंसिल, 1 नीचे कोई मतलब नहीं होता. सो आंसर इज 59, ना कि -59. यहां पर क्या दिया हुआ है, -59. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, देन 6th नंबर क्वेश्चन, 36 / -4. पहले तो हम 4 को 36 से डिवाइड कर लेते, कितना आएगा, 4 × 9 = 36 होता है. सो 9 विल बी द आंसर. और कौन सा साइन लगेगा हम कैसे बताएंगे, 36 के पास प्लस है और 4 के पास माइनस. सो प्लस माइनस बिकम्स माइनस, यहां पर -9 होना चाहिए आंसर, बट यहां पर क्या दिया हुआ है, 9. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अंडरस्टैंड? आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 36 है डिवाइडेड बाय -4. ओके, सो 4 × 9 = 36 हुआ एंड माइनस बचा हुआ है, सो -9. हमारा आंसर -9 होना चाहिए, पर यहां पर क्या दिया हुआ है, 9. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अंडरस्टैंड? ओके, देन 3rd नंबर क्वेश्चन इज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अब हमारे पास कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे. ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, हमें उसे राइट ऑप्शन को टिक करना है. 3rd नंबर क्वेश्चन इज, इवॉल्यूएट -48 + 16 / 16, देन डिवाइडेड बाय 3. -48 को 16 से डिवाइड करना है, देन जो उसका आंसर आएगा उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे.
सो फर्स्ट हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. देखिए माइनस 48 डिवाइडेड बाय 16, ओके ऐसे लिख सकते हैं हम. सो 16 थ्री जा 48 होता है, कितना 16 थ्री जा 48. सो आंसर विल बिकम, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, सो प्लस माइनस बिकम्स माइनस, सो इट विल बिकम माइनस 3. फिर हमें क्या बोल रहा है, डिवाइड 3, तो हमें 3 से फिर डिवाइड करना है ना. सो 3 3 हम काट देंगे, क्या बचा हमारे पास, 1 बचता है और यहाँ पर प्लस माइनस बिकम्स माइनस, सो माइनस 1 विल बी द आंसर, डी इज द आंसर. अंडरस्टैंड. देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच हैज द ग्रेटेस्ट कोशेंट. ग्रेटेस्ट कोशेंट मतलब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या होता है, कोशेंट. तो हमें इन चारों को डिवाइड करना है और देखना है कि इसमें से ग्रेटेस्ट कोशेंट किसका आता है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर आंसर पे किसका आता है. सो चारों को हम सॉल्व करेंगे. देखिए माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 20, सो माइनस माइनस अगर हम कैंसिल कर दें तो 5 और 20 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 आएगा. अंडरस्टैंड. देन अगर हम 5 4 जा 20 कर दिए पहले तो क्या कर दिए, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 यहां पर कर दिए, और 5 के पास कौन सा साइन है, प्लस, 20 के पास माइनस, सो प्लस माइनस बिकम्स माइनस, इसका आंसर क्या होगा, माइनस 4. देन हियर 4 को अगर हम 20 से डिवाइड करें तो 4 5 जा 20 होता है, 5 आएगा और साइन कौन सा होगा, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस बिकम्स माइनस 5, ओके. देन 4 डिवाइडेड बाय 20 क्या होगा, 4 5 जा 20, दोनों के पास प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस साइन होगा, ठीक है. अब हम देखते हैं, कंपेयर करिए, देखिए कि 4 बड़ा है माइनस 4 बड़ा है, माइनस 5 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 5 बड़ा होगा, इट इज पॉजिटिव नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर 5, सो डी विल बी द आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम. द टेम्परेचर एट नून एट अ सर्टेन प्लेस वॉज 12 डिग्री अबव जीरो, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्रीज पर आवर अंटिल मिड नाइट एट वॉट टाइम वुड इट बी 10 डिग्रीज बिलो जीरो. एक जगह का टेम्परेचर नून में मतलब क्या होगा, दोपहर के 12 बजे, नून मतलब दोपहर के 12 बजे, उस जगह का टेम्परेचर क्या है, 12 डिग्रीज अबव जीरो, जीरो से 12 डिग्री ऊपर, मतलब कौन सा डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा, 12 डिग्री सेल्सियस है, ओके. फिर बोला जा रहा है इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्रीज पर आवर, पर आवर मतलब हर एक घंटे में वो कितना घट रहा है, 2 डिग्रीज हम उसमें से कम करते जा रहे हैं, सो एट वॉट टाइम वुड इट बी 10 डिग्रीज बिलो जीरो, तो 10 डिग्री बिलो जो टेम्परेचर होगा वो कब होगा, 10 डिग्री बिलो मतलब माइनस 10 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये टेम्परेचर किस टाइम पे होगा हमें पूछा जा रहा है. चार ऑप्शंस दिए गए, 2 PM, 11 PM, 12 midnight या 10 PM. सो लेट्स सॉल्व इन नोटबुक. सी हियर, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है. हमें क्या बोला है, 12 डिग्रीज अबव जीरो पहला बोला गया है और 10 डिग्रीज बिलो जीरो, तो हम वहीं तक का मार्क करेंगे. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हम गए और इधर से हम माइनस 10 तक काउंट कर लेंगे और आगे हम लिख सकते हैं माइनस 10 तक लिख लिए, ठीक है. समझ लीजिए ये दोनों नंबर्स हम नहीं लिखते. अब देखिए क्या बोल रहा है, 12 डिग्रीज कब है, 12 डिग्री सेल्सियस जब 12 नून है, मतलब 12 बजे है दोपहर के, तो हमारा टेम्परेचर क्या है, 12 है, ओके. हर घंटे कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री कम हो रहा है, तो 2 डिग्री आप एक एक घंटे कम करते जाइए. देखिए 1 2 डिग्रीज कम हुआ तो यहाँ 10 पे पहुंच गया, कितने बज गए हमारे घड़ी पे, 1 बज गए. 12 बजे के बाद क्या बजेंगे, 1 PM, दोपहर के बाद क्या लग जाता है, PM. सो 1 PM पे कितना हो जाएगा टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. देन फिर 2 कम कर दीजिए, 1 2 डिग्री कम करना है हर घंटे, सो 2 कम किए तो 8 आ गया, देन 6 आ गया, देन 4, देन 2, देन 0, देन माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, माइनस 8 एंड माइनस 10. हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कब ऐसा समय होगा जब टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब 0 से 10 बिलो होगा, 0 से 10 बिलो मतलब माइनस 10 है ना, बिलो मतलब नीचे, सो 0 से माइनस 10, ठीक है. तो देखिए हमने 2 2 डिक्रीज करके, मतलब हर घंटे कितना डिक्रीज हो रहा है, 2,
सो दो दो डिग्री कम करके हम -10 तक पहुंच गए। अब हम टाइम देखेंगे, देखिए 12 बजे 12 डिग्री सेल्सियस, 1 बजे 10 डिग्री सेल्सियस, सो 2 बजे क्या होगा 8 डिग्री सेल्सियस, 3 बजे 6 डिग्री सेल्सियस, 4 बजे 4 डिग्री सेल्सियस, 5 बजे 2 डिग्री सेल्सियस, 6 बजे 0 डिग्री सेल्सियस, देन 7 बजे आएगा -2 डिग्री सेल्सियस, 8 बजे आएगा -4 डिग्री सेल्सियस और 9 बजे आएगा -6 डिग्री सेल्सियस, देन सॉरी हाँ 9 बजे आएगा -6 डिग्री सेल्सियस, देन 10 ओ क्लॉक को क्या आएगा -8 डिग्री सेल्सियस और 11 पीएम को क्या होगा -10 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड 11 पीएम को हमारा जो टेम्परेचर होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि किस टाइम पे -10 डिग्री सेल्सियस होगा, हमें ऑप्शन में 11 पीएम दिया हुआ है, सो 11 पीएम विल बी द आंसर। अंडरस्टैंड, सो बी विल बी द आंसर। ओके, देन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का एक क्वेश्चन होता है हर एक्सरसाइज पे हम जानते हैं, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। यूज द गिवन नंबर लाइन टू फाइंड द साइन ऑफ द क्वेश्चन ए माइनस बी अपॉन ए बी। हमारे पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड है, डिवाइड के फॉर्म पे है, तो जो हमारा कोसेंट आएगा उसका जो साइन होगा हमें उसे बताना है कि जो साइन होगा वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पर हमें सॉल्व करके नहीं बताना है, हमें क्या करना है नंबर लाइन के थ्रू बताना है। देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन दी हुई है, सॉल्व करना है बट इस नंबर लाइन की मदद से। देखिए नंबर लाइन दी हुई है, जीरो है, देन लेफ्ट साइड पे बी है और राइट साइड पे ए है, और हिंट भी दिया गया है कि ए जो है पॉजिटिव है और बी जो है नेगेटिव है। ओके, सी हियर, ये नंबर लाइन दिया हुआ है हमारे पास बी, जीरो और ए, ठीक है, तो बी हमारा हिंट पे क्या दिया हुआ है नेगेटिव और ए क्या दिया हुआ है पॉजिटिव। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो देखिए यहाँ पर ए को पॉजिटिव बोला गया है, बी को नेगेटिव, तो हम कोई नंबर मान लेते हैं, ए है +2, ए क्या है +2 और बी क्या है -2, लेट मान लिया गया, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू +2 एंड बी इज इक्वल्स टू -2। तो देखिए ए की जगह हम 2 पुट करेंगे +2 और बी की जगह हम -2 पुट करते हैं। सो देखिए ए की जगह यहाँ +2 रखा गया, माइनस तो यहाँ लगा ही हुआ है, देन बी की वैल्यू क्या है -2, ब्रैकेट पे लिख दिया गया, देन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई -2 कर दिया। अगर यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है मतलब यहाँ पर बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये दोनों के बीच पे। तो अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 टू 4 होगा और साइन कौन सा होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, अंडरस्टैंड, 2 प्लस 2 क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय -4। अब ये 4 को अगर हम कैंसिल करते हैं, 4 गेट कैंसल्ड, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और ये माइनस भी बचेगा, प्लस यहाँ है और माइनस, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, सो -1, -1 क्या होगा हमारा आंसर। तो देखिए आंसर किस पे आया, कोसेंट किस पे आया, नेगेटिव आया, माइनस पे आया, सो आंसर विल बी नेगेटिव। हम आंसर पे क्या लिखेंगे, जो कोसेंट होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हुआ। अगर आप सेकेंड मेथड से करना चाहें तो सेकेंड मेथड देखिए क्या होता है, हमारे पास a माइनस बी लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय ए बी लिखा हुआ है, हम इसे अलग अलग कर लेते हैं, a से भी देखिए ये कुछ इस तरह लिखा होगा, देखिए a में भी डिवाइड होगा ए बी और माइनस बीच पे होगा, फिर b होगा डिवाइडेड बाय ए बी होगा, ठीक है, तब ये जाके एलसीएम ऐसा कुछ हुआ होगा, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये एक ए बी लिखा जाएगा और ए माइनस बी लिखा जाएगा, तो इस फॉर्म में फिर से आ जाएगा। तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ए डिवाइडेड बाय ए बी माइनस लगाएंगे, देन बी डिवाइडेड बाय ए बी, ओके, देन ए ए गेट कैंसल और बी बी गेट कैंसल, सो 1/b यहां पर बचा और -1/a यहां पर बचा। फिर हम क्या माने थे कि b को हमने क्या माना था -2 और a को हमने माना था +2, ओके, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू -2 पुट कर दिया हमने, -1/2 पुट किया। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे, ये माइनस को हम क्या करते हैं, जब भी माइनस ये लिखा हुआ a अपॉन b, तो माइनस अगर b के साथ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a के साथ हम लिख सकते हैं -a अपॉन b,
ओके सॉरी माइनस ए अपॉन बी, माइनस को हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर सकते हैं. अंडरस्टैंड, समझ आ गया ये आपको? तो वैसे ही देखिए, टू के पास माइनस है तो हम ऊपर क्या कर देंगे, वन के पास सेंड कर देंगे. ये हुआ. तो देखिए अब हमारे पास हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते, तो हमारे पास सेम नंबर है तो हम एक बार लिख देंगे, टू लिख दिया और ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस वन, देन माइनस माइनस वन. ओके अब इसे सॉल्व कीजिए. माइनस माइनस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो वन और वन प्लस टू हो गया. कॉमन साइन माइनस है तो माइनस टू, क्या आंसर आएगा, माइनस टू डिवाइडेड बाय टू. तो अब हम टू टू को कैंसिल करेंगे तो यहां पर क्या बच रहा है, वन और माइनस साइन, सो माइनस वन. या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, ये प्लस यहां पर है, प्लस माइनस बिकम्स माइनस. आंसर पे कौन सा होगा साइन, माइनस का साइन होगा, माइनस वन. सो आंसर इज नेगेटिव. दोनों में सेम आंसर आया हमारे पास. हम दोनों मेथड में से कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हैं. ओके अंडरस्टैंड. ओके सो आप क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आंसर क्या लिखेंगे कि द साइन ऑफ द कोशेंट ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी इज नेगेटिव. जो इस क्वेश्चन का कोशेंट आया है, जो आंसर आया है, वो नेगेटिव साइन रखा होगा. मतलब उसके पास कौन सा साइन होगा, नेगेटिव साइन. ठीक है, हम उसे सॉल्व करके पूरा लास्ट तक लिखेंगे और उसके बाद हम आंसर डालेंगे, द साइन ऑफ द कोशेंट ऑफ दिस नंबर इज नेगेटिव. अंडरस्टैंड, आप आंसर लिख सकते हैं इसका. पहले जो मैंने कॉपी में सॉल्व करके दिखाया है वो हम पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लास्ट पे एक लाइन का आंसर पुटअप करेंगे. ओके सो दैट्स इट फॉर नाउ. मीट यू ऑल इन अवर नेक्स्ट वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ और मैथ्स की लगातार प्रैक्टिस करते रहें. पेरेंट्स की बात माने. थैंक यू सो मच.